लक्ष्य लेकर अथक परिश्रम करते हैं, जो है देश के नागरिकों का कल्याण। प्रधान सेवक के रूप में हमने देखा है कि आप तब ही संतुष्ट होते हैं जब सरकारी योजनाओं का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। हम सब देशवासी आपके संकल्प के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी, लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को आपने विकसित भारत बनाने का आह्वान किया था। इस संकल्प को 2047 तक पूरा करने के लिए आपने 25 साल का अमृत काल का विजन तैयार किया, ताकि देश के हर गरीब को अपना अधिकार मिले, हर किसान समृद्ध हो, हर महिला सशक्त हो, युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का पर्याप्त अवसर मिले। पिछले 9.5 साल में अपने देश के लिए कई योजनाएं चलाई। इन योजनाओं से देश के युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को लाभ मिला। हर योजना का प्रभावी ढंग से अमलीकरण हो और विकसित भारत की कल्पना साकार हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी आपने 15 अगस्त 2023 को झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया था। यात्रा का प्रारंभ होने के बाद आपके प्रति विश्वास और श्रद्धा के कारण लोग इस यात्रा में चल रही गाड़ी को मोदी की गारंटी की गाड़ी के रूप में देखने लगे। पहले हफ्ते में जहां हर पंचायत में औसतन 300 से 400 लोग एकत्रित होते थे, वही अब हर पंचायत में 650 से 700 लोग शामिल हो रहे हैं। ये बताता है कि आपकी गारंटी पर जनता का कितना भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से अब यह यात्रा शहरी क्षेत्रों में भी चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आपके परिवारजन शामिल होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प ले रहे हैं। 1960 के दशक में भारत ने कृषि क्रांति का एक दौर देखा। इसमें हमारी कृषि ने बैलगाड़ी से ट्रैक्टर तक का सफर तय किया। देश के किसानों ने हाइब्रिड बीज और केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग शुरू किया। भारत के इतिहास में इसे हरित क्रांति के तौर पर दर्ज किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश को तीसरी कृषि क्रांति की ओर आगे बढ़ाया है। इस यात्रा में कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग और आपकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे उर्वरक का आविष्कार देश को तीसरी कृषि क्रांति की ओर आगे बढ़ा रहा है। इस नई कृषि क्रांति में आपने महिलाओं को भी उचित हिस्सेदारी तय करते हुए नमो ड्रोन दीदी का शुभारंभ खुद किया। आज हम महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं, उन्हें ड्रोन उड़ाते हुए देखते हैं, तब हमारे अंदर से यह आवाज आती है, नमो ड्रोन दीदी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में कई जगह जाने का अवसर मिला है। महिलाएं, युवा, किसान और गरीब बहु उम्मीद से यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जिन्हें पिछले 9.5 सालों में कोई न कोई लाभ मिला हो, ऐसे लोग मेरी कहानी, मेरी जुबानी के माध्यम से अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। जब हम ये सुनते हैं तो हमें गौरव महसूस होता है कि मोदी सरकार की योजनाएं लोगों के जीवन में कैसा बदलाव लाती है। लोग गदगद होकर यह बताते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे बची, उनके जीवन में कैसे बदलाव आया या उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बनी। कई जगह पर हमें ये भी देखा कि विविध योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को लाभ मिला हो। कई गरीब परिवार के व्यक्ति की
आयुष्मान भारत योजना की वजह से जान बची हो। ऐसे लोग सिर्फ अकेले नहीं आते हैं प्रधानमंत्री जी, वे आपके प्रति अपना कर्तव्य भाव व्यक्त करने के लिए दूसरे लोगों को भी साथ लेकर आते हैं। मुझे यह बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि मोदी की गारंटी की गाड़ी 6 सप्ताह के भीतर लगभग 1.25 लाख ग्राम पंचायत तक पहुंच गई है, जिसमें 5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी हुई है। यात्रा के दौरान लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में 1.25 करोड़ लोगों की जांच की गई है। टीबी मुक्त भारत के लिए 17 लाख लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई है। लगभग 45,000 लोगों ने निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को गोद लिया है। 15 लाख लोग सिकल सेल की जांच से लाभान्वित हुए हैं। इस यात्रा में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाकर 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। 3 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए 7 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस यात्रा में अब तक आपके 4 करोड़ से अधिक परिवारजनों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। 21 लाख से अधिक लोगों ने माय भारत वॉलंटियर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये सभी समाज के साथ मिलकर विकसित